कैंटरबरी सिटी में क्या क्या हम लोग देखा, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार विशकलन करके एकदम पूरी निचोड़ करके यही पता चला, गवर्नर को एक स्टेट का मालिक बनाया जाता है। गवर्नर का इतनी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर जी हम लोग को देख गया, उसके सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं असम न्यूज लाइव। दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है, अब उद्घाटन के लिए तैयार है। श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया जाना है, लेकिन विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। क्या निशाना साधा है? कहा कि उनकी सरकार के अहंकार ने संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। और इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मैथ्यू एन देव, जो आम आदमी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका एसएम न्यूज़ लाइव में। धन्यवाद। एक चीज बताइए सर, आप आम आदमी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी को आप जानते हैं, एक चीज बताइए, ये अगर नया संसद भवन देश में बना है और उसका उद्घाटन होने जा रहा है, इतना अच्छा कार्य होने जा रहा है कल 28 मई को, तो उसमें फिर अड़ंगा लगाने वाली क्या बात आ रही है? जी रंगेश जी, सबसे पहले आपके एसएम न्यूज़ के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो हम कोई आडंगा नहीं लगा रहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अनुसार कुछ बातें आप लोगों के सामने 140 करोड़ भारतवासी के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये नहीं भूले, ये 140 करोड़ भारतवासियों का खून पसीना, उसका मजदूरी का पैसा वो पार्लियामेंट मंदिर में लगा हुआ, ये आप लोग क्यों नहीं भूल जाते हो, क्यों नहीं याद करते हो? ये मैनेज मजदूर करके हम लोग जो टैक्स दिए उसी पैसा से पार्लियामेंट में बनाया, तो किसी का नाम में क्यों? ये 140 करोड़ भारतवासियों का पार्लियामेंट है, क्या इसमें आप लोग सहमत है कि नहीं? अगर ऐसे बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बना हुआ वो अपना अनुसार उसको तोड़ मरोड़ कीजिएगा तो ये किस तरह का सही होगा? आप बताइए, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार सबसे परमोन्नत पद पर किसको विराजन किया गया, किसने हम लोग अपॉइंटमेंट किया हुआ? महामहिम राष्ट्रपति। महामहिम राष्ट्रपति का ही अधिकार है पार्लियामेंट मंदिर का उद्घाटन करना, उसका इनॉग्रेशन का अधिकार उनका है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूं हम नहीं है। आपके एक बात हम पूछना चाहता हूं, जो हम लोग राज्य में स्टेट में हम लोग जो चीफ मिनिस्टर को जो बहाली कराता उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? हम लोग का राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। नरेंद्र मोदी का भी 1/3 मेजोरिटी से आ गया, उन लोग अपना सरकार बनाने के लिए महामहिम का ही आदेश के अनुसार किया गया। तो पार्लियामेंट जैसे चीज का इनॉग्रेशन का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन एकदम राष्ट्रपति को ही दिया जा रहा है, वो राष्ट्रपति का ही अधिकार है। वो अधिकार को अगर आप जिनके अपना अधिकार सीमा में रखिएगा, हमको एक कहना है न्यू डेमोक्रेसी। वो न्यू डेमोक्रेसी में आ जाइए, सबसे पहले हम न्यू डेमोक्रेसी का बात को उजागर करने वाला पपन मास्टर को धन्यवाद देता हूँ। पपन मास्टर एक अच्छी से एक नया डेमोक्रेसी के एक रूप कल्पना किया हुआ, उसका इंग्लिश में भी हिंदी में भी ऑल इंडियन लैंग्वेज में अपना न्यू डेमोक्रेसी का एक नया विचारधारा दिया गया। इसलिए पप्पन मास्टर मेरा बात सुन रहे हो, उनका ही नया विचारधारा के लिए हम आपको धन्यवाद देता हूं। हमने ही न्यू डेमोक्रेसी, वी नीड ए ब्रांड न्यू डेमोक्रेसी के अनुसार, अगर ये पार्टी लोग किसी को अधिकार सीमा में खनन करके अपने अधिकार को अपने दूसरों के अधिकार को अपने अंडर में रखते हो तो हम लोग नया डेमोक्रेसी का विचार करना पड़ेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट तक खटखटाया न्यू डेमोक्रेसी को लेके, लेकिन पप्पन मास्टर का न्यू डेमोक्रेसी को आज तक किसी ने बारीकी से सुना नहीं, सब अपना अपना व्यक्तिगत लाभोच्छा के अनुसार काम कर रहा है। तो ये संसद भवन में 140 करोड़ जनता का जो टैक्स लगे जो बनाया, वो तो शुरुआत तो बीजेपी सरकार तो नहीं किया, उसका शुरुआत तो इसका पहले वाला सरकार किया है, वो तो सबका इच्छा है। इसको आड़ंगा लगाना, इसको कुछ करना हम लोग का काम नहीं, हम लोग बहुत खुश है पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हो। अगर ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं कर रहा, आने वाला सरकार भी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ करके बर्बाद करने का काम करेगा, और हम लोग का डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए डेमोक्रेसी को बचाना हो
वी नीड ए ब्रांड न्यू डेमोक्रेसी। पपन मास्टर का न्यू डेमोक्रेसी के बारे में सोचना है, उनके अनुसार काम करना है और उसी के अनुसार ये भिन्न भिन्न जात बात बांट के जो इलेक्शन कराता है, करोड़ों करोड़ों रुपया हम लोग का जो जनता का जो टैक्स रूप में इलेक्शन में खत्म करता है और आपस में लड़के जो हम लोग, आप भी पहले वाला संसद को देखा होगा, पार्लियामेंट का जितनी जितनी सामान को नुकसान करता है, इस सरकार का टैक्स है कि हम लोग गरीब जनता का टैक्स है। अच्छा, एक इनोग्रेशन से क्या लग रहा है डेमोक्रेसी चेंज हो रहा है? इनोग्रेशन से डेमोक्रेसी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इनोग्रेशन जिनको कराना है, हमारा कहना है पार्लियामेंट मंदिर बहुत हम लोग का भव्य मंदिर है, सबसे भगवान वही है। वो पार्लियामेंट का वो मंदिर का इनोग्रेशन ऐसे आदमी करना चाहिए या एक अच्छे एक आदमी जो इंडिया का सबसे बड़ा, ये भारत का सबसे बड़ा एक एक किसान, अगर नहीं तो एक अच्छे व्यक्ति या एक गवर्नर या नहीं तो एक राष्ट्रपति, अगर नहीं तो उससे हटके हम लोग का चीफ जस्टिस पद का कुछ आदमी लोग, जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छी से जानकार है, उन प्रकार का आदमी या इस सब का बीच में जो पार्टी पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है, उन प्रकार के एक आदमी या एक व्यक्ति एक पर्सनालिटी होना चाहिए ये पार्लियामेंट मंदिर का इनॉग्रेशन करने वाला आदमी। उसका सबसे अच्छे आदमी है राष्ट्रपति जो महामहिम हम लोग का द्रौपदी मुर्मू जी, उसको हम लोग यही कह रहे, उसी का अधिकार है। अगर उसको कराना नहीं चाहता तो पार्टी पॉलिटिक्स से हट के कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं, एक साधारण भारतवासियों से करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें 140 करोड़ का खून पसीना लगा हुआ, किसी पार्टी का खून पसीना नहीं है। वो हम माना कल मेरे आने वाला पीढ़ी वही बैठ के हम लोग के लिए कानून का निर्माण किया जाएगा, वो कानून का निर्माण करने वाला जगह किसी का अड्डा नहीं बनाने देगा हम लोग, किसी कोई किसी का अड्डा ना बनाए। आप सरकार को यही कहना चाह रहा हूं, सरकार मोनोपोली कर रहा हूं, डेमोक्रेसी को क्रश कर रहा हूं, सरकार कभी चीफ जस्टिस को कानून को हर चीज अपना अंडर में कर रहा हूं, फ्री होके किसी को काम करने नहीं दे रहा हूं। उदाहरण आप दिल्ली में देख सकते हो, दिल्ली में आप देखिए एक छोटी से एक अमेंडमेंट पास करके जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी चेंज कर दिया गया, ये क्या है? हम लोग को काम करने नहीं दे रहा और किसी पार्टी को काम करने नहीं दे रहा। बाकी आप पपन मास्टर के नए ब्रांड न्यू डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचते हैं, और भारत के राष्ट्रपति से जो उनके उद्घाटन का हक छीना जा रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नए प्रधानमंत्री जी जो उद्घाटन करने जा रहे हैं उन पे आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है, वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए मैं हूं रिंकेश और साथ में थे आम आदमी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर मैथ्यू अंदेव। धन्यवाद।